21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਮੰਗੋਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਉਨ ਮੰਗੋਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਯਦਿ ਹਮੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੜੀ ਤੋ ਵੋ ਦੇਂਗੇ ਕਭੀ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਥਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਿਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ ਸੁਣਤੇ ਥੇ वो चीजें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी। ये कभी सोचा नहीं था। ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕੇ ਗੋਲੇ ਛੋੜਤੇ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਵੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਥੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਭਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੇਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਭਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇਂ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੋ ਏਕ ਦਿਨ ਕਾ ਕਿਰਾਇਆ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। यानी प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए भी पहले आपको 1,00,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे दिन के, और अगर आपके पास 1,00,000 नहीं है तो फिर आप आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। 20 दिन का लंबा समा हो गया वा जरा कि किसानी संघर्ष लड़िया जा रहा वा, किसानी घोल दूसरा खनौरी ते शंभू दे विच लंबे समय तो किसान बैठे भी आ, 13 तरीक ते 21 तरीक नूं जो उत्थे भाणा वापरिया वह भी तुसीं वेख चुके हो। 21 तरीक नूं एक नौजवान शुभकरण दे गोली लग जांदी आ ते गोली लगण दे नाल ओह शहीद हो जांदा। अंतम संस्कार वास्ते घट्टो घट्ट भी 8 दिन तो बाद दा समां मिलदा वा क्योंकि सरकार ने FIR दर्ज नहीं कीती। जदों FIR दर्ज हुंदी आ ते किसान आगू कहिंदे हुण चिर अंतम संस्कार नहीं होणगे। अंतम संस्कार होए ते नाल ऐलान करता कि अंतम अरदास समागम कीता जाऊगा ते अज अंतम अरदास समागम होया वा ते नाल नाल जे आपां गल करिए संयुक्त किसान मोर्चे दे भी कुछ इत्थे आगू साहिबान पहुंचे सी। राजनीतिक SKM जिहड़ा उह पहलों तो ही लड़ाई लड़ रहा वा, किसान जथेबंदियां जे हरियाणे की गल करिए तो पूरे भारत तो जी लड़ाई लड़ रही वा। साढ़े नाल हरियाणे तो वीर अभिमन्यू कुहाड जी आ, गलबात करते हैं कि इस संघर्ष नूं किवें वेखदे आ ते अगली रूपरेखा की हो सकती है। अभिमन्यू जी अकाल चैनल दा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके और आपके सभी दर्शकों को आज जोड़ के राम राम है। अज शरदा दे फुल भेट कर रहे थे तुसीं, उस वीर नूं याद कीता जा रहा, की लगता है ये शहीदी कोई आने समझ रंग लियाऊगी हुण? देखो आज संकल्प लिया है ये सब लोगों ने कि जिन मांगों को पूरा कराने के लिए शुभकरण सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी, उन मांगों को पूरा कराने के लिए यदि हमें भी अपनी आहुति देनी पड़ी या कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देंगे। और देखो बाकी तो आने वाला समय तय करेगा, भविष्य तय करेगा, लेकिन हमारा पूरा प्रयास पूरी ताकत ये है कि उन मांगों को हम पूरा कराएं। और अब शुभकरण सिंह जी सिर्फ एक परिवार के नहीं, सिर्फ एक जिले के नहीं, सिर्फ एक प्रदेश के नहीं, वो पूरे भारत के पूरी दुनिया के किसानों के शहीद हो गए हैं। और 21 तारीख को जो घटनाएं वहां पे हुई थी उसके मौके के गवाह हमारी आंखों के सामने हुआ था। और कभी जीवन में नहीं सोचा था कि जिस जलियांवाला बाग कांड के बारे में, जिस जनरल डायर के बारे में किताबों में पढ़ते थे सुनते थे, वो चीजें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी। ये कभी सोचा नहीं था। सीधी गोलियां चलाई जा रही थी, हमें भी छर्रे लगे, मतलब क्रूरता और तानाशाह की सभी हदें पार करने पर सरकार प्रशासन उतारू थे। बैरिकेड से इधर कूद के गाड़ियां तोड़ी गई, ट्रैक्टर तोड़े गए, ट्रैक्टरों की डीजल की पाइप काट दी गई कुल्हाड़ी से, और डीजल सड़क पे गिरा दिया गया, ऊपर से बमबारी कर रहे थे। हमें तो ये लग रहा था उनकी सोच ये थी कि भाई अगर कोई बम पड़ जाता तो वहां पे आग लग जाती, हो सकता है उनकी सोच ये है, नुकसान बड़ा कर सकते थे, सिलेंडर भी रखे थे ट्रॉलियों में, फिर क्या होता। तो मतलब सरकार ने उस दिन लोकतंत्र की, मानवता की, इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी। अब देखो पिछले 2 महीने से फ्रांस में, जर्मनी में और अन्य देशों में आंदोलन चल रहा है, किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पे है, वहां पे जहरीली गैस के गोले छोड़ने की बात तो दूर, वहां पे किसानों पे गोलियां चलाने की बात तो दूर, वहां किसी किसान के ऊपर पानी की बूंद तक नहीं मारी गई और वो लोग सड़कों पे है। ये है लोकतंत्र। हमारे यहाँ बना दिया इन्होंने लठ तंत्र और गोली तंत्र। जो भी आवाज करता है सीधी गोली मारते हैं, जो भी बात करता है सीधे लठ मारते हैं, जो भी बात करता है उसको जहरीली गैस के गोले छोड़ते हैं। तो ये तो वो लोकतंत्र नहीं है जिसके लिए हमारे शहीदों ने आजादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी थी। इस लोकतंत्र के लिए तो वो शहीद नहीं हुए थे। वोटां वेले लोकतंत्र होंदा हुण फिर 2024 इलेक्शन आ रही है, की लगदा हुण लोकतंत्र बहाल हो जू फिर? देखो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता, चुनाव लोकतंत्र का एक पार्ट है। ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣਾਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ। ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਭਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੇਂ
अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी में अगर आपको प्रोटेस्ट करना हो रामलीला मैदान में, जो एक बड़ी जगह है, तो एक दिन का किराया 1,00,000 रुपए है। यानी प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए भी पहले आपको 1,00,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे दिन के। और अगर आपके पास 1,00,000 नहीं है तो फिर आप आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये तो है लोकतंत्र की स्थिति। जो भी बात करता, अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने कहा था कि भाई हरियाणा के लोगों पर हरियाणा पुलिस NSA लगाएगी, ठीक है, अगले दिन वो इन्होंने वापस ले लिया, वो अलग बात है। भाई हमने, आप देखो पूरे आंदोलन में आज तक हमने कहा कि भाई शांतिपूर्ण चलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है ये हमारी, ठीक है। किसी के कहने पे हम शांतिपूर्ण नहीं रखते, हम अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही मान के इसको शांतिपूर्ण रखते हैं, क्योंकि एक एक जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने 307 के झूठे पर्चे कर दिए और बहुत सारी बातें। पहले तो ये सिर्फ पंजाब वालों को कहते थे, पंजाब के शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को भी पहले खालिस्तानी कहते थे, अब हम हरियाणा वालों को भी खालिस्तानी कहने लग गए। जो 14 तारीख का जो पर्चा है, जो 13 तारीख का पर्चा है, जिसमें हमें मुख्य आरोपी बनाया हरियाणा पुलिस ने, हमारे प्रदेश की पुलिस ने, उसमें हमें खालिस्तानी बताया गया है, ठीक है। 307 का पर्चा पाया इन्होंने खनौरी बॉर्डर का हमारे ऊपर, तो उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया उस पर्चे में कि ये खालिस्तानी नारे लगा रहे थे। बाई नेम हमारे ऊपर पर्चा है कि ये खालिस्तानी नारे लगा रहे थे, ये हिंसा करवा रहे थे, ये करा रहे थे, वो करा रहे थे, ऐसी उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां उसमें बढ़ाई हुई है, ठीक है। मैं कहता हूं ऐसे झूठे पर्चे चाहे 50 और कर लो, वो तो पूरा मुल्क जानता है, पूरा देश जानता है, इतिहास जानता है कि किसान मजदूरों के बेटों ने कभी देश के खिलाफ कोई बात नहीं करी, उन्होंने देश के हित में काम किया है, हमने देश के लिए फायदे के लिए काम किया है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हम बार बार आंदोलन में ये बात कहते हैं, कल भी मंच से कह के आया, आपके मंच से भी कह रहा हूं, हम लोग किसानों के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। हम ऐसे हर विचार के खिलाफ हैं जो विचार लोगों को बांटने की कोशिश करता हो। हम हिंदू राष्ट्र के विचार के भी खिलाफ हैं, हम खालिस्तान के विचार के भी खिलाफ हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र के विचार के भी खिलाफ हैं, हम क्रिश्चियन राष्ट्र के विचार के भी खिलाफ हैं, हम हर उस विचार के खिलाफ हैं जो लोगों को अलग अलग करता हो। हम लोग, आप सिखी का इतिहास उठा के देख लीजिए, गुरु तेग बहादुर जी ने किसके लिए कुर्बानी दी, उन्होंने सिखों के लिए कुर्बानी थोड़ी दी थी। उन्होंने जब औरंगजेब कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती उनके जनेऊ उतरवा रहा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था, तो गुरु जी ने कुर्बानी दी। जब गुरु नानक जी ने जो सीख दी, आप बताइए कहां लिखा हुआ है कि गुरु नानक जी की सीख सिर्फ एक धर्म के लिए है, उनकी सीख, उनके विचार मानवता के लिए हैं, उनके विचार इंसानियत के लिए हैं। आप किसी का भी उठा के देखोगे, आप जो महान संत महात्मा हुए वो सब इंसानियत की बात करते थे। गीता में इंसानियत की बात करी हुई है, आप कुरान में देख लीजिए इंसानियत की बात करी हुई है, आप बाइबल में देखिए इंसानियत की बात करी हुई है। लेकिन जो ये उसके बाद जो आए ना, जो कुछ ये अपने आप को ठेकेदार बना लेते हैं अपने आप, ये उसको सारी मनगढ़ंत कहानियों को कर देते हैं। मैं एक चीज और कह रहा हूं आपको, चलो पहले तो पंजाब के शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बोलते थे, अब हमें भी बोलने लगे हरियाणा वालों को। खालिस्तान ते खालसे राज दी गल हुंदी है, महाराजा रणजीत सिंह तो सारे याद करते हैं, हुण ते विदेशां च दस्या जा रहा कि खालसा राज किदां दा हुंदा। दिल्ली के बॉर्डर से 220 ते 221 जो आंदोलन लड़िया गया सी ना, उत्थे आम लोग कहिंदे सी कि आ जे खालसा राज है, इदां दा सी महाराजा रणजीत सिंह दा राज, क्योंकि दरवाजे खुले सी, पैसे अंदर सी, हर एक चीज सी, कोई लैके नहीं सी जांदा। खालसी राज दीआं इह गल्लां हुंदीआं। देखो मैं आपको एक चीज कहता हूं, जो पहले वाली बात पूरी करूं फिर इस सवाल पे भी आपके आऊंगा। भाई चलो हरियाणा वालों को भी कहने लगे खालिस्तानी। आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर में किसानों ने रोड जाम करके खनौरी और शंभू बॉर्डर पे चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करी है। अशोकनगर में 500 ट्रैक्टरों का मार्च हुआ और वहां के भाजपा सांसद को घेरा, तो क्या वो भी खालिस्तानी हो गए? तमिलनाडु में 100 जगह शुभकर्ण सिंह जी की याद में कैंडल मार्च हुआ, तो क्या वो भी खालिस्तानी हो गए? कर्नाटक में जगह जगह रोड जाम किए गए, तो क्या वो भी खालिस्तानी हो गए? तो ये जो तरीका है ना सरकार का कि भाई कुछ भी कह के, कुछ लेबल लगा के लोगों को टारगेट कर दो, लोगों को बदनाम कर दो, ये चीज ठीक नहीं है। दूसरी बात रही, देखिए जिस अफगानिस्तान में आज तक कोई देश, कोई दुनिया की ताकत राज नहीं कर पाई, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, वहां पे महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना राज कायम किया था, ठीक है। मैं ये बात कहता हूं, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, अगर उस धर्म को अगर आप सच्चाई से सही मायनों में देखोगे, चाहे सिखी हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे आपका मुस्लिम धर्म हो, चाहे आपका क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, उनमें से कोई भी धर्म कभी ये बात नहीं करता कि किसी दूसरे को मारो, ठीक है। ये तो चीजें अपने आप में कहानी बना देते हैं कुछ लोग जिनको अपनी राजनीति करनी होती है, सियासत करवाती है ना सारा कुछ, सियासत करवाती। अब एक बात बताओ आप, भाई रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहां भी लंगरों ने सेवा करी, असम में बाढ़ आ गई, वहां भी लंगरों ने सेवा करी,
अभी हरियाणा पंजाब में घग्गर नदी के कारण बाढ़ आ गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, वहां भी गुरुद्वारों ने सेवा करी। और एक चीज इंटरेस्टेड जो एक बहुत मैं इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा, जो एक महत्वपूर्ण कहूंगा, जो महत्वपूर्ण बात है, देखो अब हरियाणा में भी है ना, जब ये घग्गर नदी में बाढ़ आई थी तो हरियाणा में भिवानी तक के किसान रतिया के गुरुद्वारा श्री अजीत सर साहब में लंगर का सामान दे के गए थे। भिवानी कितनी दूर हो गया, फतेहाबाद कितनी दूर हो गया, क्योंकि उस आंदोलन ने 2020-21 वाले आंदोलन ने गुरु घरों के ऊपर लोगों का एक विश्वास पैदा कर दिया, ठीक है, लंगरों के ऊपर एक विश्वास पैदा कर दिया। तो जो सेवा करेगा उसका विचार आगे बढ़ेगा। भाई मैंने तो आज तक देखा नहीं कि किसी सिखों ने किसी के साथ ये कह के मारपीट करी होगी, भाई तुम सिख बनो। मारपीट के आधार पे या हिंसा के आधार पे तो किसी को सिख बनाने की कोशिश नहीं करी, वो मारपीट की बजाय सेवा करके अपने विचारों को फैलाते हैं। तो सब लोग विचारों को फैलाएं, सेवा करके क्या दिक्कत है उसमें। अगली रणनीति क्या हो सकती है? आज दो ऐलान किए गए आपकी स्टेज की तरफ से कि एक तो 6 तारीख का दिल्ली में इकट्ठे हो सारे, क्योंकि भारतवर्ष का आंदोलन बन रहा है ये, और दूसरा ऐलान जो 10 तारीख को ट्रेनें रोकनी है। मैं कह रहा हूँ 6 तारीख को हमने ये कॉल दी है कि भाई जो बार बार सरकार और सरकार के मंत्री ये कहते हैं ना कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे मत आओ, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जो सरकार डरती है, तो हम हरियाणा पंजाब के अलावा बाकी राज्यों के किसानों को ये कह रहे हैं भाई आप पैदल से, बस से, ट्रेन से एक बार दिल्ली आने का प्रयास करो। अगर सरकार उनको भी रोकेगी तो स्पष्ट हो जाएगा। 12 तारीख की रात को जो कर्नाटका से हमारे किसान आ रहे थे ट्रेन में, उनको मध्य प्रदेश के इंदौर में रात को उतारा गया, जो माताएं बहने महिलाएं थी उनके सर फोड़े गए, वो तो ट्रैक्टर लेके नहीं आ रहे थे। बिहार के किसानों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, वो तो ट्रैक्टर लेके नहीं आ रहे थे। तो सरकार को ट्रैक्टरों से नहीं, असलियत में सरकार को किसानों से दिक्कत है, सरकार को जायज मांगों से दिक्कत है, ठीक है, इसलिए सरकार कर रही है। 10 तारीख का जो प्रोग्राम है पूरे देश स्तर पे रेल रोको का है, हमें ये मालूम है सरकार पूरी ताकत लगाएगी उस प्रोग्राम को फैल करने के लिए। दोनों मोर्चों के लोग जो भी कार्यक्रम देते हैं, दोनों मोर्चों के लोग जो भी आंदोलन का प्रयास करते हैं, उसको पूरे तरीके से कुचला जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं समझ रहे हैं, आंदोलन सब करते हैं, लेकिन ज्यादा ताकत हमें कुचलने के लिए लगाई जा रही है सरकार की। तो चीज हम सब समझ रहे हैं सरकार क्या कर रही है। एसकेएम राजनीतिक गैर राजनीतिक का भविष्य में इकट्ठे हो सकते हैं? देखो हम एक बात कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, 4 चीजें हैं, माइक, मंच, मीडिया और सरकार के साथ मीटिंग। मैं एक बात कह रहा हूं, दोनों फॉर्मों के एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के जो नियम हैं वो हमारे नहीं, वो किसानों के नियम है, किसानों की भावनाएं हैं, उनको मान के जो भी संगठन आना चाहता है उसका हार्दिक स्वागत करेंगे। माइक भी उनका, मंच भी उनका, मीडिया में भी वो बैठेंगे, सरकार के साथ मीटिंग भी वो करेंगे, हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, ये हम लिखित में देने को तैयार है। ये बात चिरूनी साहब आए थे आज, उग्राहा जी भी आए थे शायद स्टेज पे, कोई बातचीत चली आगे? देखो आज का जो माहौल था, आज श्रद्धांजलि का समारोह था और श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है, यहाँ पे अंतिम अरदास थी, और तो स्टेज पे तो ज्यादा बात किसी से कोई हो नहीं पाई, आपस में ही कोई बात नहीं हो पाई। कुछ दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आए थे, अपनी टीम लेके आए थे और 10-11 आदमी उनके थे, हमारे फोरम के 4-5 आदमियों से मिलने, 4-5 आदमी डेप्यूट किए गए थे, वो उनकी बात सुनने गए, बड़े ही सकारात्मक माहौल में हुई। और मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे लिए मान सम्मान सत्कार के योग्य हैं। 2014 में जब मैं छात्र आंदोलन से किसान आंदोलन में आया तो सबसे पहले भूमि अधिग्रहण आंदोलन में जब हम आए थे छात्र आंदोलन से, तो सबसे पहले गुरनाम सिंह जी से मुलाकात हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, उस दिन जब गुरनाम सिंह जी आए, बातचीत हुई, तो उन्होंने अपने सुझाव रखे, हमने वो सुझाव सारे के सारे एज इट इज फोरम में रख दिए। उन्होंने सुझाव रखा कि भाई कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए चुनाव लड़ने या ना लड़ने की, इस तरह की कोई शर्त मत रखो और फिर सब इकट्ठे हो जाओ, चाहे कोई चुनाव लड़े चाहे कोई चुनाव ना लड़े, एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई सरकार थोड़ी इस बात को लेके कंफ्यूज है कि सरकार किससे बात करे, तो बोले कि 3-4 आदमी आप अपनी तरफ से ले लो, 3-4 आदमी दूसरे मोर्चे की तरफ से ले लो, ऐसे एक कमेटी बना लो। तो हमने एज इट इज सारी बातें अपने फॉर्मों में रिपोर्ट कर दी, और उसके बाद फॉर्मों को ही फैसला लेना है ना, तो अकेला अभिमन्यु कुहाड़ फैसला ले सकता, ना अकेला जगजीत सिंह डल्लेवाल जी फैसला ले सकते, ना अकेले श्रवण सिंह पंधेर जी फैसला ले सकते, ना अकेले अमरजीत सिंह मोड़ी फैसला ले सकते। जो फैसला लेना हो दोनों फॉर्मों को लेना है। तो हमारा ये कहना है कि देखिए हर व्यक्ति हमारे लिए मान सम्मान और सत्कार के योग्य है, आप मोर्चे को मजबूत करें, आप इस लड़ाई को मजबूत करें और अपनी मांगे पूरी कराएं। अभिमन्यु कुहार जी साढ़े नाल सी, कहिंदे कि साड़ी लड़ाई सरकार दे नाल आ, ते ओ रल के असीं सारे जणे लड़ाई लड़ीए, हाँ जिहड़ियां साड़ियां
ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ।